रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले दो किस्म की रेज हैं, पेरेक्सियल रेज हैं और नॉन पेरेक्सियल रेज हैं। हमने पूरा ऑप्टिक्स पेरेक्सियल के साथ किया, नॉन पेरेक्सियल हमने डिस्कस नहीं किया। नंबर टू, फील्ड ऑफ व्यू। देखो, जो फील्ड ऑफ व्यू होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा, ये मिरर है, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर है और मैं इस मिरर को देख रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे सामने एक छोटा सा पीस ऑफ मिरर लगा रखा है, उस मिरर में हो सकता है मेरे को ये पंखा दिख जाए पर हो सकता है मेरे को वो कंप्यूटर ना दिखे। तो यानी कि पंखा मेरे फील्ड ऑफ व्यू में लाई करता है, कंप्यूटर मेरे फील्ड ऑफ व्यू में लाए नहीं करता। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, इसकी रेज टकरा के मेरी आंखों में आ रही हैं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इमेज की फॉर्म में देख पा रहा हूँ। और यहाँ का ऑब्जेक्ट अगर पड़ा है तो ये इसे हिट करके मेरी आईज तक नहीं आ पा रहा, तो ये मेरे फील्ड ऑफ व्यू में नहीं दिखेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट की चीज़ें जो मिरर में दिखाई दे रही हैं वो मेरे फील्ड ऑफ व्यू में लाई करती हैं। उसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन मिरर्स का।